हेलो प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार प्रभु की स्तुति, तारीफ और जय जयकार। कैसे हैं आज आप? आई बिलीव आप वो हैं जिसे परमेश्वर ने चुना है, अलग किया है और अपने राज्य के लिए रखा है। ठीक वैसे ही जैसे कि हम लोग जाया करते थे और जब हम जाते हैं ना गार्डन में, तो कुछ अच्छे खूबसूरत फूलों को देख कर उनमें से एक चुनकर फूल तोड़ते हैं, वैसे ही प्रभु यहोवा ने भी आपको चुना है, अलग किया है, संसार के समान नहीं परंतु आपको विशेष बनाया है। आमेन। आज का जो अध्याय है भजन संहिता 96, भजन 96 कह सकते हैं आप, वो भी अच्छा है। आज के अध्याय में पहली जो लाइन है, पहला वचन जो है वो लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। कई फिल्मी सितारों ने मसीह गीत गाए हैं और कुछ मसीह फिल्मों में उन्होंने अपना अभिनय भी दिखाया है, मतलब उन्होंने एक्टिंग की है। एक गीत याद आ रहा है मुझे, जो कि शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उदित नारायण बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे उनको, बल्कि सब जानते होंगे। उदित नारायण ने गीत गाया और मुझे याद है उनका चेहरा, वो किस खुशी के साथ गाते हैं। तो उन्होंने गीत जो गाया वो कुछ इस प्रकार से, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ धन्यवाद करें। मेरी उनकी आवाज़ बहुत अलग है, बट ही सैंग लाइक दैट, अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। मुझे पूरा याद नहीं है पर बहुत सुंदर गीत है। आज क्या आप ये गीत गा रहे हो? क्या आपके मन में आनंद और खुशी के गीत है? यही सच्ची आराधना है। परमेश्वर की आराधना वो है जो आपके हृदय से निकलती है। लोग पूछते हैं प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना करना वाकई में एक बड़े बात है ना लोगों के लिए, क्यों? क्योंकि लोगों ने अब तक अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा और प्रभु को अपना प्रभु करके स्वीकार नहीं किया। लोगों को बताओ, सिखाओ, याद दिलाओ, भाई तुम्हारा बापू है, वो कोई पराया नहीं है। पिता से बच्चे कैसे बात करते हैं? अधिकार के साथ, then speak like that। आज ये अधिकार आपके और मेरे पास है, लेकिन लोगों ने अधिकार खो दिया था। यहूदी इज़राइली डरते थे, इसलिए वो यहोवा नहीं पुकारते थे, याह करके पुकारते थे। प्रभु की स्तुति हो। आइए पढ़ेंगे, ये है भजन संहिता 96, पहले वचन से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गीत गाओ। यहोवा के लिए गीत गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। जब हम बात करते हैं परमेश्वर की महिमा की और भेंट लेकर उसके भवन में आने की, तो ये जो है छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मीन्स यू आर कमिंग टू द लॉर्ड, यू आर कमिंग टू योर फादर, योर गॉड, योर मास्टर। आप अपने पिता परमेश्वर, अपने प्रभु के पास जब आते हो तो उसके साथ आपका रिश्ता कैसा है, वैसे ही आप आओगे। आप किस परिस्थिति में हो वैसे ही आप आओगे। आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हैं, आप वैसे ही परमेश्वर के सामने हैं, वैसे ही आइए। मैं एक बात बता रहा था, रिसेंटली समबडी सेड कि सर ढकना और जेवर ज्वेलरी पहनना और क्या खाना क्या ना खाना, कौन कलीसिया में प्रचार कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, ऐसी बातों को लेकर अक्सर लोगों के अंदर हम वाद विवाद देखते हैं। कई सारे प्रचारक बिना सोचे समझे कुछ भी प्रचार करते हैं, पर मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र को जब आप देखोगे तो पवित्र शास्त्र प्रभु परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए दिया है ताकि हम पढ़ें, देखें, सीखें, समझें और अपने जीवन में लागू करें। वी शुड नॉट बी लाइक ऑर्थोडॉक्स, मतलब कोई जबरदस्ती वाले या फिर कोई कठोर दिल, कठोर समय, कठोर विचार वाले ना बने, परंतु हम वो बने जो परमेश्वर आपको और मुझे देखकर खुश हो, ऐसा बने। इसीलिए हमारी आराधना आत्मा से, सच्चाई से होती है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है।
कुछ जबरदस्ती कुछ और बातें नहीं मेरे प्रियो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड थिंक अबाउट इट, सोचना चाहिए इसके बारे में, तब आपको पता चलेगा कि असलियत क्या है। एनीवे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 9 पद में लिखा है, पवित्रता से शुभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो, जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं, वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा, आकाश आनंद करे और मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान में और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो, उसी समय वन के सारे वृक्ष जयजयकार करेंगे, यह यहोवा के सामने हो क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है, वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। मैं जब अपने जीवन में हर वो एक बात जो प्रभु की ओर से देखता हूँ तो पता है मैं कैसा फील करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करने का एहसास मेरे मन में आता है। हम उस परिवेश से आए हैं जिस परिवेश में हम सब यही सब किया करते थे। यदि मेरे मन में आदर प्रकट करने का कोई भाव है, जब मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, जिन लोगों से मैं प्रेम करता हूँ उनको मैं दिल से गले लगाता हूँ, सभी से प्रेम है मेरा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके प्रति मेरा प्रेम और अधिक उमड़ता है क्योंकि मैं उनमें परमेश्वर का आनंद और भलाई देखता हूँ, खुशी देखता हूँ, उनके जीवन से महिमा देखता हूँ। एंड आई सी पीपल लाइक दैट एंड आई एम्ब्रेस देम, उनको गले लगाता हूँ। एक भाई है, ही डिडंट थॉट दैट बट आफ्टर लॉन्ग टाइम आई मेट हिम, बहुत दिनों के बाद मेरी मुलाकात उनसे हुई। जब वो मेरे ऑफिस में आए सो मैं सीधा उठ के अपनी चेयर से गया उनके पास और मैंने उनको गले लगाया। एंड ही वॉज जस्ट स्टूड लाइक दिस एंड ही सेड, वाई पास्टर आकाशदीप आर टुडे यू आर डूइंग डिफरेंट, आप कुछ आज अलग कर रहे हैं। ही वॉज अमेज टू, नॉर्मली मैं ऐसे बिहेव करूँगा, उनको नहीं लगा। पर आफ्टर लॉन्ग टाइम आई सॉ हिम, मैंने उन्हें बहुत दिनों के बाद देखा तो मेरे मन में बहुत खुशी और आनंद थी, उनके प्रति प्रेम था। आई रिस्पॉन्डेड दैट वे। पर क्या हो कि अगर परमेश्वर के सामने आपको आना है जिसने आपको सब कुछ दिया है, तब उसके सामने आप कैसे आएंगे? हाल फिलहाल एक बड़ा अनुग्रह प्रभु की ओर से मैंने पाया। नॉर्मली ये मेरे लिए नहीं है, ये चर्च के लिए है। हमारा हॉल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बमुश्किल से लोग इकट्ठे होते हैं, खड़े होते हैं, सीढ़ियों तक नीचे तक खड़े रहते हैं, लोगों को मैं नज़र नहीं आता, भीड़ लगी रहती है, चर्च में जगह नहीं हो पाती। एंड वी गॉट अ गुड प्लेस, एक अच्छी जगह मिल गई हमें, वैसी नहीं जैसी मैं चाहता था, लेकिन फिर भी एक ऐसी जगह मिली। मेरे मन में ऐसा धन्यवाद कि मैं प्रभु के सामने जमीन पर लेट कर ऐसे धन्यवाद दूँ, पूरी तरह लेट कर। Why? Because that is my love. पर कुछ लोगों को ये अलग व्यवहार जानना पड़ता है। मेरे प्रियो, मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ, परमेश्वर की आराधना के लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, खुलकर आराधना कीजिए, दिल की गहराई से कीजिए। याद रखिए, सिर्फ आपके नाम, आपके द्वारा जो भी कुछ काम किया उससे प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। खुलकर कीजिए, इससे बेहतर और क्या है, प्रभु को यही तो पसंद आएगा। आमीन। और तब आप अपनी प्रार्थनाओं को पूरा होता देखेंगे, क्योंकि ऐसे आपका रिश्ता प्रभु के साथ और अधिक गहरा हो जाएगा और परमेश्वर की आवाज और बात को आप समझ पाएंगे। आमीन। लेट अस जॉइन टुगेदर इन प्रेयर। मेरे प्रभु, आराधना करना, प्रार्थना करना, तुझसे बात करना हमें सिखा। मेरे भाई बहन को जो मेरे साथ संगति करते हैं, जो रोज तेरी ओर अपनी लालसा रखते हैं, और प्रभु तेरे वचन को सुनना, समझना और इसका अनुसरण करना, प्रभु ने फलवंत कर, बलवंत कर, तुझ में चला, तेरे द्वारा चला। तेरे जैसा कौन? अपने हाथ को बढ़ाकर इनके लिए भलाई के द्वार खोल। मसीह यीशु के नाम से दुआ में मांगता हूँ, आमीन। आमीन। प्रभु आपके लिए भलाई के द्वार खोले। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है, आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।